हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंट्राडे ट्रेड एनालिसिस। और यहाँ पर देखिए मैंने क्या कहा था, मार्केट में अगर हमारे को ट्रेड करना है तो 12 के आसपास हमारे को ट्रेड करना है, फिर कौन सी भी लेवल पर हमारे को ट्रेड करना है, ठीक है। तो हमने टारगेट रखा था सिर्फ 200 पॉइंट का, और मार्केट अगर 600 को क्रॉस करता है तो हमारे को बाय कर लेना था, ठीक है। और अगर डाउन साइड की पोजिशन देखेंगे हम, ठीक है, तो डाउन साइड की पोजिशन देखना है हमारे को। तो यहाँ पर मैंने डाउन साइड के लिए आप लोगों को कहा था अगर मार्केट 39,290 के रेंज को क्रॉस करता है और 15 मिनट के बाद ही हमारे को ट्रेड करना था तो टॉप लॉस आपके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को क्या करना है, अभी यहाँ पर देखिए, सॉरी पहले फर्स्ट दिन का बता देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए एक्सपायरी के दिन, तो एक्सपायरी ट्रेंडिंग हुई है, यहाँ पर ब्रेकआउट कंप्लीट नहीं हुआ, इसके कारण मैं मतलब इसलिए आप लोगों को बोला था कि मार्केट अगर देखिए इस रेंज को क्रॉस करता है तो हम बाय करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट 800 के आसपास ओपन हुआ और मार्केट 400 प्लस मार्केट यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए स्टार्ट हुआ था। तो हमारे को अभी क्या करना है, यहाँ पर देखिए देखिए यहाँ पर अगर देखिए मार्केट इस रेंज के आसपास ओपन होता है, 14,015 की रेंज अगर क्रॉस करता है कल मार्केट में, तो मार्केट यहाँ पर 39,800 के करीब आएगा मार्केट, ठीक है। अगर मार्केट देखिए यहाँ पर 14,000 के नीचे ओपन होता है तो फिर मार्केट यहाँ पर इस रेंज तक आएगा 650 के रेंज के करीब। और अगर हमारे को बाइंग के लिए जाना है मार्केट में, तो मार्केट में जाना होगा हमारे को 14,380 की रेंज के करीब, तो इस रेंज के आसपास करीब ओपन होना चाहिए। अगर फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट साइड में जाएगा दोनों साइड, ठीक है, बोथ हाफ में, मतलब फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ कब तक रहेगा अपना 12:30 तक, और 12:30 के बाद हमारा सेकंड हाफ, ठीक है। अगर मार्केट मूवमेंट देता है यहाँ पर डाउन साइड के लिए, देखिए हर फ्राइडे में नहीं होता है मार्केट यहाँ पर, फिर से मार्केट डाउन ओपन होता है और फिर से ट्रेंडिंग हो सकता है। बट मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा दिन अगर एक्सपायरी साइड में जाती है तो फ्राइडे ट्रेंडिंग होता है, अगर एक्सपायरी ट्रेंडिंग होती है तो फ्राइडे साइड में जाएगा, ठीक है। ये हमारे को सीखना है पहले फर्स्ट। अभी मार्केट में रेंज देखिए यहाँ पर मार्केट ऐसा है, तो फिर मार्केट में हमारे को इस रेंज को क्रॉस करना देना पड़ेगा, तभी हम ट्रेड करेंगे और ऊपर के लिए इस रेंज को 380 की रेंज को, ठीक है। अभी देखते हैं निफ्टी, अगर निफ्टी का हमारे को बात करनी है तो मार्केट में 70,890 की रेंज क्रॉस करने दीजिए, ठीक है, 870, ठीक है। और डाउन साइड के लिए हमारे को 740, ठीक है, इन दोनों रेंज को अगर क्रॉस करता है निफ्टी तो हम वहाँ पर ट्रेड करेंगे।